टैंक तैयार किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है, कचरा पानी यहीं से निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बायोफ्लॉक्स के विधि से कैसे मछली पालन किया जाता है, इस तरीके से आप अपने घर में मछली पालन कर सकते हैं। आप देखिए हमारे पीछे ये जो दिख रहा है, जितना भी ये टैंक दिख रहा है, ये सारा का सारा जो टैंक है ये बायोफ्लॉक्स विधि से इसमें मछली पालन किया जाता है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। हम आपको अभी इस पूरा जो ये आप प्लांट देख रहे हैं इसका हम टूर कराएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पीछे भी कई सारे जो टैंक बने हुए हैं, इस टैंक में कैसे इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, कैसे इसमें मछली पालन किया जाता है, कितना ग्राम मछली डालते हैं और कितने दिन में कितने का हो जाता है, वो सारी चीज़ की आपको हम जानकारी देंगे। यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे हम बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे क्या किया जाता है। आप चाहें तो यहाँ से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको टैंक की जानकारी देते हैं। ये देखिए, ये है सीमेंटेड टैंक, ये जो आपको अभी दिख रहा है ये सीमेंटेड टैंक है और यहाँ एक दो अब ऐसे ही करके ये 6-7 टैंक यहाँ पे बना हुआ है और इसे ग्रीन नेट है, ग्रीन नेट से ढका हुआ है क्योंकि अभी ठंड का समय है तो यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वही हम बात करें तो देखिए इस तरीके से वाटर जो पानी है ये बायोफ्लक्स की विधि से यहाँ इसमें डाला गया है और यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। 10x11 या 12 का ये अप्रॉक्स टैंक का साइज़ है और 3 फीट गहरा ये टैंक है और एक टैंक में अप्रॉक्स आप देख रहे हैं कि यहाँ 9 से 10 जो दिया गया ऑक्सीजन के लिए, यहाँ हर में देखिए आप देख सकते हैं जिस हर जो टैंक है इसमें हर में कनेक्शन दिया गया है और प्रॉपर हर समय इसमें पानी की के साथ साथ यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस विधि से मछली पालन करते हैं तो आपको यहाँ सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ऑक्सीजन की है, आपको ऑक्सीजन देना होगा। और इस तरीके से आप देखें सब में जितनी भी आप टैंक देख रहे हैं इस सब में मछली डाला गया है, ये सीमेंटेड टैंक है। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो जो दूसरा टैंक है, उस टैंक में जो टेम्परेरी टैंक जिसे आप बोल सकते हैं वो बायोफ्लॉक्स की विधि से है। देखिए उसकी जो फाउंडेशन है बिल्कुल इस तरीके से है, देखिए ये जो टैंक तैयार किया जाता है इस तरीके से किया जाता है। आप यहाँ देखें, देखिए ये है, ये हाँ पकड़ने के लिए कवर डाला गया है, ये यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्टील है ये स्टील वेल्ड करके बनाया गया है, एक डायानुमा यानी कि गोला टाइप का बनाया गया है। और ये जो पाइप है देखिए, यहाँ ये पाइप, इस पाइप की सहायता से यहाँ इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ इसमें ड्रिल करके यहाँ से ऑक्सीजन बीच में डाला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो ये साइड से ब्रिक लगाया गया है और ब्रिक इसके अंदर ये प्लास्टिक यहाँ लगाया जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और नीचे देखिए यहाँ स्लोप नुमा बनाया गया है और वहाँ से जो ड्रेन है, जो वेस्ट वाटर होगा, जो गंदा पानी होगा, जो भी मछली का जो कचरा होगा वो यहाँ से ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। तो आगे हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये जो पूरा प्लांट है ये अभी ढका गया है, ढका इसलिए गया है क्योंकि अभी ठंड का टाइम है और ठंड के टाइम में जो प्लांट है इस प्लांट में टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको इस प्लांट का देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, चूँकि प्लास्टिक डाला गया है इसलिए थोड़ा नहीं दिख रहा है। यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है तो आप यहाँ से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आप यहाँ नंबर दिख रहा होगा तो 94 वाला एक नंबर है, जो ऊपर वाला ये नंबर स्टार्ट चालू है, इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा अंदर चलते हैं। देखिए अब हम अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो बायोफ्लॉक्स का जो विधि है, इस विधि से जो पालन किया जाता है इसकी संरचना क्या क्या है पहले हम आपको ये बता दें। सबसे पहले देखिए आप नीचे ईंट दिख रहा होगा, 75 mm यानी खड़ा ईंट चुनाई की गई है। उसके बगल में RCC का रॉड है, देखिए जिसे क्वाइल वाला भी कहते हैं, या 6 mm का आप मार्केट से खरीद सकते हैं कि ब्रांडेड जो भी कंपनियाँ स्टील बनाती है उसके पास मिल जाएगा और बराबर गैप पे है। और यहाँ देखिए 10,000 लीटर का ये टैंक है। और उसके बाद ये देखिए ये जो पाइप है ये मार्केट में मिलता है और यहाँ से भी आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और यहाँ देखिए ये आउटलेट है, यहाँ से आउट होता है ये ऑक्सीजन और एक टैंक में लगभग 9 ऑक्सीजन का डाला गया है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पानी के साथ साथ यहाँ ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। और ये जाल से इसलिए ढका गया है क्योंकि ये जो बड़ी मछलियाँ हैं वो कूद ना जाए। आप देखें वहाँ भी देखें, पीछे देखें, जितनी भी टैंक है लगभग 30-35 टैंक हैं यहाँ पे और सारा टैंक का वही है। अब ये पहला टैंक हमने आपको दिखाया और अब देखिए ये 4 टैंक है, 4 टैंक का एक आउटलेट यहाँ बनाया गया है। आप ये देखिए इस तरीके से यहाँ से अगर जैसे ही गंदा पानी, जो कचरा पानी है, कचरा पानी यहीं से निकलता है, ये देखिए
ये उस वाटर के साथ ही इसका लेवल है, इसलिए दोनों का लेवल बराबर होता है, तो पानी बाहर नहीं जा रहा है। जैसे ये पाइप को निकाला जाएगा तो उसके उसमें जो इस टैंक में जो कचरा होगा, नीचे जो मछली का वेस्ट होगा, उस कचरा को यहाँ से निकाला जाएगा, और निकालने के बाद ये गंदा पानी बाहर निकल जाता है। इसमें भी देखिए यही सेम वही कंडीशन है, और इसका भी वही होता है। आप यहाँ देखिए ये टैंक है, ये बैक्टीरिया के माध्यम से ये पालन किया जाता है। ये जो इसके जो ऑनर है राजीव सर, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने उस टैंक सीमेंटेड टैंक में भी पालन किया है, और यहाँ जो ये टारपोलिन वाला जो टैंक है इसमें भी पालन किया है, तो इन्हें दोनों चीज़ का एक्सपीरियंस है। प्लस तो इन्हें पता है कि कैसे क्या तैयार किया जाता है। अगर आप स्टार्ट करते हैं, शुरू में स्टार्ट करेंगे, अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आपको लॉस भी हो सकता है, तो ये आप अपने रिस्क पे करें। और दूसरी बात है कि आप सही जानकारी के लिए आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करें और जानकारी लें। देखिए इस तरीके से ये आउटलेट यहाँ बना हुआ है, यहाँ से वेस्ट वाटर जो है जो भी है गंदा निकाला जाएगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, मछली पालन की व्यवसाय में आपको बेचने की प्रॉब्लम नहीं है। बेचने में प्रॉब्लम ये नहीं है क्योंकि आप जहाँ जैसे भी कोई भी कहीं से भी बेच सकते हैं, इसमें घर पे आके लेके जाएगा कोई भी। यहाँ दूसरे ऐसा नहीं है कि आप बेचने के लिए प्रॉब्लम होगी कि कैसे बेचे, कहाँ जाके बेचे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ चारों तरफ देखिए, यहाँ देखिए इधर इधर पूरा जहाँ है, जहाँ जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं, ये जितना 30-35 टैंक के आसपास हैं लगभग, तो ये सारी टैंकें यहाँ अवेलेबल है, और इसमें सब में मछली पालन किया जाता है। बिल्कुल उन्नत तरीके से मछली पालन किया जा रहा है जहाँ तक अभी तक हमने देखा है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, ठंड भी है, तो देखिए ऊपर जो प्लास्टिक इससे पूरा ढका गया है, और टेम्परेचर जो नॉर्मल जो होता है उसे टेम्परेचर पूरा मेंटेन किया गया है। अभी ठंड का समय है तो इसमें हीटर वगैरह भी लगाया जाता है, सब कुछ है इसमें जितनी होनी चाहिए सुविधाएं। बीच में थोड़ा गैप है आने जाने के लिए, देखिए पीछे गैप है और दोनों तरफ से टैंक है, ये पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है, तो मुझे ये काफ़ी बेहतर लगा। और बाकी की जानकारी चलिए राजीव सर से लेते हैं, वो बताएंगे कि ठंड में कैसे पालन किया जाता है मछली, वो सारी जानकारी हम उनसे लेते हैं।